गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए 247। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीओएआईटी एग्जामिनेशन। तो आपका जीओएआईटी एग्जामिनेशन जो एचपीएसएससी हमीरपुर कंडक्ट करता है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक जरूर करना। इसके अलावा हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हैं फॉर एवरी वीडियो अपडेट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वालिटी मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस नाम से और जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा SQM, दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विद रियल डाटा इन रियल एनवायरनमेंट इज नोन एज। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है अगर आपको रियल डाटा के साथ और रियल एनवायरनमेंट में, तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है बीटा टेस्टिंग। तो दोस्तों, ये बीटा टेस्टिंग बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद होना चाहिए कि जो रियल डेटा और रियल एनवायरनमेंट में जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज बीटा टेस्टिंग। तो दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को हाँ लाइक जरूर करें। अभी लाइक कर देना, बाद में आप लाइक करना जरूर भूल जाओगे, तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक अप्रोप्रिएट टू ऑल लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है जो सभी लेवल ऑफ टेस्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग। तो इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक होती है जो सभी लेवल ऑफ टेस्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट होती है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्पाइस स्टैंड्स फॉर, तो स्पाइस का क्या मतलब है? स्पाइस का बिल्कुल सही मतलब है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन इज नोन एज स्पाइस। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसको भी आप अपने चाहें तो अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को बेसिकली और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बेसिकली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? तो एक्सेप्टिंग टेस्टिंग होती है बेसिकली बीटा टेस्टिंग। तो बीटा टेस्टिंग को ही बोला जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्योंकि ये जो बीटा टेस्टिंग है, इसी से हमें पता चलता है कि हमें किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए @streetstudy247, ये वाला लोगो देखने को मिलेगा आपको, और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @streetstudy, सेम लोगों के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेस्टिंग इन विच कोड इज चेक्ड। तो ऐसी कौन सी टेस्टिंग है जिसमें बेसिकली कोड को चेक किया जाता है? तो कोड की जो चेकिंग होती है, दैट हैपन्स इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग, WBT, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मीडियम से हाई लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं। मेरा मोटिव यही है कि आप एग्जामिनेशन में हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, और ये बेसिकली GOAIT सीरीज़ का पार्ट 23 है। अगर आपने इससे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, GOAIT सर्च करें, वहाँ पे एक डिटेल सिलेबस भी देखने को मिलेगा आपको, वो वाला वीडियो जरूर देखें। और इसके अलावा इससे पुराने जो 22nd पार्ट हैं, वो भी एक बार आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। मेंटेनेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म यूजिंग विच मेथोडोलॉजी। तो मेंटेनेंस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, तो आपको बताना है कौन सा मेथड का यूज़ करके। तो मेथड पूछा है जहाँ पे, तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज ब्रेथ टेस्ट एंड डेथ टेस्ट। तो इसमें बेसिकली ब्रेथ और डेथ दोनों का टेस्ट करते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं VD टेस्ट यूज होता है। किसके लिए? फॉर मेंटेनेंस टेस्टिंग। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट्स यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ 2 इनपुट OR गेट्स। तो आपको बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट चाहिए हमें जिससे वो फंक्शन करे 2 इनपुट OR गेट का। तो बिल्कुल सही, ये सपोज करो ये 2 इनपुट NAND गेट है, ये 2 इनपुट का एक NAND गेट है, तो हमें ऐसे कितने चाहिए ताकि वो हमें 2 इनपुट का OR गेट दे दे। तो OR गेट का ये होता है सिंबल, ठीक है। तो हमें चाहिए 3 2 इनपुट के NAND गेट्स जो परफॉर्म करेंगे 2 इनपुट OR गेट का, ठीक है। तो हमें तीन जो 2 इनपुट NAND गेट होंगे, दैट विल बी इक्वलेंट टू 2 इनपुट OR गेट। तो ये आपको याद रखना है। लोअर एंड अपर लिमिट्स आर प्रेजेंट इन विच चार्ट। तो लोअर एंड अपर लिमिट्स कौन से चार्ट में प्रेजेंट होती हैं?
तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए रन चार्ट। रन चार्ट में बेसिकली लोअर एंड अपर लिमिट आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो आप बहुत से टाइम सुनते होंगे रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करके ये वाला प्रोडक्ट या फिर ये वाला सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से क्या फंक्शन नहीं है, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है रिवर्स इंजीनियरिंग का। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, पहला तो टू रिड्यूस मेंटेनेंस एफर्ट, जिसमें मेंटेनेंस एफर्ट कम लगते हैं, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं और ये कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है, ठीक है, कोऑपरेट विद कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑप्शन डी होगा जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज़ टू असिस्ट माइग्रेशन टू ए केस इन्वायरमेंट। तो इसका ये ऐसा कोई भी काम नहीं करता है माइग्रेशन का जिससे हम असिस्ट कर सकें टू ए केस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गेट और इन्वर्टर टू चेंज इट्स स्टेट इज कोल्ड एज। तो कितना टाइम रिक्वायर होता है गेट को या फिर आप इन्वर्टर को जिससे वो अपनी स्टेट चेंज कर ले, ठीक है। इन्वर्टर का सिंबल आपको याद रखना है, ये होता है इन्वर्टर का सिंबल। यहाँ पे अगर ये ऐसा डॉट्स लगा दूँ मैं तो वो इन्वर्टर बन जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, कितना जो टाइम होता है उसको क्या बोला जाता है बेसिकली, उसको बोला जाता है कितना टाइम लगता है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली प्रोपागेशन टाइम। ये बेसिकली माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में मेजर होता है। तो राइट आंसर है द प्रोपागेशन टाइम इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गेट और इन्वर्टर टू चेंज इट्स स्टेट। मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म टू अनदर इज नोन एज। तो बेसिकली हमें अगर सिस्टम को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना है तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए रीफैक्टरिंग, ऑप्शन बी रीस्ट्रक्चरिंग। तो बिल्कुल सही आंसर है दोनों, बोथ ए एंड बी, दैट इज रीफैक्टरिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करके हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सिस्टम को फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन फॉर्म टू अनदर। तो ये आपको आंसर याद हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप फीडबैक के तौर पे ऐसे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप एक बार कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और हो सके तो लाइक एक बार जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं हम और भी ऐसे वीडियोस के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच।